हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल सी सी एम मैस्टोरियल तो आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 पॉइंट थ्री इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्लास ट्वेल्थ मैथेमेटिक्स ठीक है मैथेमेटिक्स पार्ट सेकंड तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर वन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी हम क्वेश्चन नंबर टू पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसको इंटीग्रेट करना है ठीक है तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिखना है आपको लेट आर इक्वल्स टू इंटीग्रल ई टू दावर टू एक्स इन टू साइन थ्री एक्स डी एक्स राइट क्योंकि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेट इधर डी एक्स लगाओ राइट right? अभी देखो यहाँ पे दो फंक्शंस है ई टू द पावर टू एक्स एंड साइन थ्री एक्स अलग अलग फंक्शंस है यहाँ पे आपको गिवन क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन गिवन है इसका मतलब क्या होता है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन जज करो फर्स्ट और कौन सा है और सेकंड कौन सा है तो इसके लिए हम एल आई टी यानी लेट रूल यूज करेंगे तो लेट के हिसाब से क्या होता है एल आई ए टी ई इसके हिसाब से देखो एल आई ए टी ई लेट रूल तो इसके हिसाब से लॉग पहले आता है बाद में इन्वर्स अल्जेब्री ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक है एक्सपोनशियल तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा तो साइन थ्री एक्स को पहले लिखेंगे हम बाद में ई टू द पावर टू एक्स लिखेंगे डी एक्स ठीक है तो बाय एल आई टी ठीक है लेट से हमने ये कर लिया अरेंज अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा बाय यूजिंग यूजिंग इंटीग्रल यू ही डी एक्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम है ये तो देखो ये फर्स्ट यानी यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट ये u है तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किसका करते हैं हम सेकंड फंक्शन का मतलब इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x और इधर ये इंटीग्रेट है विथ रिस्पेक्ट टू ये पूरा x ठीक है तो इस तरीके से ये थेरम यहाँ पे हमें अप्लाई करना है तो यहाँ पे u कौन है साइन थ्री एक्स और v कौन है e टू द पावर टू एक्स तो चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे देखो ये अप्लाई करना है u इंटीग्रल वी डी एक्स तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन थ्री एक्स जैसे कि वैसा ठीक है देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड v तो ये है e टू द पावर 2x तो उसका करेंगे हम आ, उसका करेंगे इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कौन है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन साइन 3x एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर 2x एक्स डी एक्स और इधर डी एक्स देखो ये जो लिखा है मैंने इसको वन दे दो पहले तो ठीक है इक्वेशन वन देन नेक्स्ट स्टेप साइन थ्री एक्स एज इट इज बोलो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पॉवर एक्स होता है तो ई टू द पॉवर टू एक्स का टू एक्स होगा और नीचे कितना आएगा टू क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ता है नीचे ठीक है लिखना है यहाँ पे नीचे लिखना है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन थ्री एक्स क्या होता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस थ्री एक्स और ये थ्री एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम तो थ्री बनेगा ठीक है समझ में आया थ्री एक्स का डेरिवेटिव अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बाय चेन रूल ठीक है डिफरेंशिएशन में आपने चेन रूल पढ़ा है तो थ्री एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन कितना होगा यहाँ पे थ्री तो थ्री लिखना पड़ेगा देन इंटीग्रेशन यही लिखना है आपको ये सॉल्व किया था ई टू द पावर टू एक्स अपॉन टू और यहाँ पे डी एक्स देन आफ्टर ई टू द पावर टू एक्स अपॉन टू इसको रखो आगे ठीक है और यहाँ पे है साइन थ्री एक्स माइनस थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर रखते हैं ठीक है बाकी बचेंगे यहाँ पे कॉस थ्री एक्स इन टू ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स राइट डाउन तो चलो हो गया यहाँ तक के देखो यहाँ पे थ्री बाय टू कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिया कॉस्ट थ्री एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स फिर से देखो दो डिफरेंट फंक्शंस है और यहाँ पे प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम यानी ये थ्योरम फिर से अप्लाई करना होगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन यानी लियट की सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक है राइट right? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में एक्सपोनेंशियल तो ये अरेंज कर दिया है पहले तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो देखो ये तो सबसे पहले एज इट इज रखना पड़ेगा ठीक है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है सभी चीज़ें यहाँ पे एक मिनट हाँ इसको इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है मतलब देखो ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है क्या करते हैं हम रूल के हिसाब से फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कॉस थ्री एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन कौन है यहाँ पे कॉस थ्री एक्स इंटीग्रेशन सेकंड का मतलब ई टू द पावर टू एक्स का ठीक है और ये कंप्लीट इधर डी क्योंकि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है और ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट आ गया ध्यान में चलो तो ये यहाँ तक के हो गया अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें आगे नेक्स्ट स्टेप में देखो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है अभी नीचे वाली जो स्टेप्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपरली एक एक स्टेप फॉलो करो e टू द पावर 2x एक्स अपॉन टू ई टू द पावर 2x एक्स अपॉन टू इन साइन थ्री एक्स राइट माइनस थ्री बाई टू इन ब्रैकेट कॉस थ्री एक्स ई टू द पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर से वही काम ई टू द पावर टू एक्स अपॉन टू राइट माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थ्री एक्स कॉस का डेरिवेटिव था माइनस तो ये बनेगा माइनस साइन थ्री एक्स ठीक है साइन थ्री एक्स तो लिख लेता हूँ लेकिन थ्री एक्स का डेरिविटिव होगा थ्री तो ये थ्री आगे और ये माइनस समझ में आया देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स ठीक है तो माइनस लिख दिया मैंने साइन थ्री एक्स और थ्री एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है थ्री एक्स है इसका मतलब चेन रूल अप्लाई करना होता है कंपोजिट फंक्शन बराबर है डिफ्रेंशिएशन में हमने पढ़ा है तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया है साइन माइनस साइन ठीक है तो माइनस लगा दिया ई टू द पावर टू एक्स का अगेन ई टू द पावर टू एक्स अपॉन टू ब्रैकेट कंप्लीट ये डी एक्स और ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट ओके चलो तो आगे नेक्स्ट स्टेप तो ई टू द पावर टू एक्स अपॉन टू साइन थ्री एक्स माइनस थ्री बाई टू ई टू द पावर टू एक्स अपॉन टू कॉस थ्री एक्स देखो यहाँ पे अबे आप एक काम कर सकते हो माइनस माइनस प्लस ये थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकालो इंटीग्रेशन करोगे आप इसका साइन थ्री एक्स इन टू द पावर बराबर अभी फिर से आप यहाँ बोलेंगे अरे ये लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्स थेरम नहीं हर बार ऐसे ही करते रहेंगे कंटिन्यूएशन चालू रहेगा तो इससे अच्छा क्या है कि साइन थ्री एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स ये जो हमारा है हमारा प्रॉब्लम ही है ठीक है ई टू द पावर टू एक्स और साइन थ्री एक्स तो इसको हमने क्या लेबल किया था आय आय लेबल किया था इक्वेशन वन में वहाँ पर मैंने इक्वेशन वन से लेबल किया था तो ये आय था ठीक है तो यहाँ पर हम कैसे पुट कर सकते हैं देखो ये तो ओरिजिनल आए इधर ई टू द पावर टू एक्स अपन टू साइन थ्री एक्स माइनस ये भी मल्टीप्लाई कर लो थ्री टू टू जा फोर ठीक है ई टू द पावर टू एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री थ्री जा नाइन टू टू जा फोर और यहाँ पे कितना हो रहा है इंटीग्रेशन ई टू द पावर टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स ठीक है डी एक्स कैसे भी लिखो सेम ही है मल्टीप्लीकेशन ही है और इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं आय ठीक है आए, तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम e टू द पावर टू एक्स टू आय थ्री साइन थ्री एक्स माइनस थ्री बाय फोर ई टू द पावर टू एक्स कॉस थ्री एक्स माइनस नाइन बाय फोर अभी इसकी जगह मैं i पुट कर रहा हूँ ठीक है आई फॉर डी इंटीग्रेशन ठीक है तो यहाँ पे देखो ई टू द पावर टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स डी एक्स इक्वेशन वन से मैंने लेबल किया तो इक्वेशन वन पता है आपको तो वहाँ पे ये जो इतना इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या थी आई थी ठीक है वहाँ पे लिखा था मैंने लेट आई इक्वल्स टू तो ये आय रख दिया इसके जगह और यहाँ पे देना है प्लस सी देखो जैसे ही इंटीग्रल हट्टा है वैसे ही आपको क्या करना है यहाँ पे प्लस सी लगाना है कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी ये आय जो आय वाला पार्ट है इसको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे इधर आय वाले के पास यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में आय प्लस नाइन बाय फोर आय यहाँ पे माइनस नाइन बाय फोर था तो इधर आने के बाद क्या होगा प्लस नाइन बाय फोर ई टू द पावर टू एक्स अपॉन टू साइन थ्री एक्स माइनस थ्री बाय फोर ई टू द पावर टू एक्स राइट ई टू द पावर टू एक्स ओके सही है हाँ ई टू द पावर थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स और ये हो गया प्लस सी इसके बाद ये कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो रहा है नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है देखो अभी यहाँ पे फोर प्लस नाइन ठीक है फोर आय प्लस नाइन यानी थर्टीन थर्टीन बाय फोर आए ओके इक्वल्स टू ई रेस टू टू एक्स अपॉन टू साइन थ्री एक्स माइनस थ्री बाय फोर ई रेस टू टू एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस सी नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना होगा आपको ये थर्टीन बाय फोर है तो इससे मल्टी ये इधर कर लो ठीक है तो I क्वल से क्योंकि आपको I की वैल्यू चाहिए यहाँ पे तो फोर बाय थर्टीन से मल्टीप्लाई कर लो फोर बाय थर्टीन राइट आ धन में इधर क्रॉस होगा ना इसे तो फोर बाय थर्टीन ई रेस टू टू एक्स अपॉन टू इंटू साइन थ्री एक्स माइनस थ्री बाय फोर ई रेस टू टू एक्स कॉस्ट थ्री एक्स प्लस सी देखो सी को अगर थर्टीन बाई फोर मल्टीप्लाई भी किया तो कांस्टेंट ही रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये फोर बाय थर्टीन या फिर ऐसे कर लिया आपने डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरीके से ये देखो थ्री बाई फोर ये फोर बाय थर्टीन मगर मल्टीप्लाई कर दो सीधा आ गया में चलो और ये सी को मल्टीप्लाई करने की वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आपको पता अगर कर भी लिया तो क्या होने वाला है फोर बाय थर्टीन सी इसका मतलब क्या कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहने वाला है सी रहेगा टू टू जा तो टू बाय थर्टीन ई रेस टू टू एक्स साइन थ्री एक्स माइनस फोर फोर कैंसल थ्री बाय थर्टीन ई रेस टू टू एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस सी अभी यहाँ से कॉमन क्या कर सकते हो आप थर्टीन है ई टू द पावर टू एक्स है चलो ई टू द पावर टू एक्स और थर्टीन गया बाहर इधर कितना बचा टू साइन थ्री एक्स माइनस ये चला गया ये थ्री है थ्री ई टू द पावर टू एक्स चला गया थर्टीन चला गया सिर्फ कॉस थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस सी तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर आ गया समझ में तो इस तरीके से सॉल्व करना था आपको राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स तो यहाँ पर फिर से लिखना आपको लेट आर इक्वल्स टू इंटीग्रल ई रेस टू माइनस एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स ठीक है इसको इक्वेशन नंबर वन से लेबल करना है हमें देन आफ्टर देखो लेट रूल यूज़ करो लेट रूल के हिसाब से क्या होता है यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड कौन सा डिसाइड कौन करेगा लियट डिसाइड करेगा तो इसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आता है यानी कॉस टू एक्स पहले आएगा ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स ये बाद में आएगा कौन से रूल से कर रहे हैं हम ये बाय लियट तो यहाँ पे लिखना होगा बाय लियट रूल ओके तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो अभी यूजिंग यू वी डी एक्स इंटीग्रल यू वी डी एक्स यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यू इंटीग्रल वी डी एक्स और ये डी एक्स बराबर तो ये अप्लाई करके हमें करना है आगे तो कैसे करेंगे कॉस्ट टू एक्स ये फर्स्ट फंक्शन है इसको एज इट इज़ रखना है इंटीग्रेशन सेकंड का है, नी टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यू कॉस्ट टू एक्स इंटीग्रेशन वाली स्टेप रिपीट इधर जैसे कि वैसे ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और ये डी एक्स कॉस टू एक्स देखो ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या होता है ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ये देखो माइनस वन राइट इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स का तो माइनस वन नीचे रख दिया मैंने यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव माइनस साइन टू एक्स राइट कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ठीक है तो कॉस टू एक्स टू एक्स है तो टू एक्स का अगेन डेरिवेटिव तो ये आगे लिख लेता हूँ मैं माइनस टू तो। क्योंकि यहाँ पे अगर करेंगे तो फिर से आपको आगे लिखना ही होगा तो ये मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या होगा ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन ओके देन डी एक्स यहाँ पे देखो ये माइनस और माइनस सीधा कैंसिल हो जाएगा ये माइनस आगे लगा दो इधर कॉस टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स नेक्स्ट स्टेप देखो ये माइनस साइन टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स ठीक है और ये डी एक्स अभी इसको प्रोडक्ट रूल यानी फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना है क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शन है एक एक्सपोनेंट uh, है और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट यूज़ करके लेट यूज़ करने की जरूरत तो नहीं तो सीधा तो ही है पहली है ट्रिग्नोमेट्रिक ओके तो फिर सीधा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे और ये ई टू द पावर माइनस एक्स आगे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कॉस टू एक्स माइनस देखो इंटीग्रेशन अभी ये सॉल्व करना है हमें ठीक है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन टू एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये इधर डी लिखना है आपको माइनस एक्स डी एक्स ब्रैकेट कंप्लीट और ये डी एक्स क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल है तो ये ब्रैकेट को डी एक्स लगा दो और ये बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट सही है चलो यहाँ से इंटीग्रेशन हटाना पड़ेगा क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स को कैसे लिखते हैं हम यू इंटीग्रल वी डी एक्स तो यहाँ से लिखना है यानी ये यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डेरिवेटिव यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स अभी आगे सॉल्व करो इसको देखो तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप ये जो है डेरिवेटिव करना पड़ेगा यहाँ पे यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे डेरिवेटिव चलो तो निकालो डेरिवेटिव तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो ई टू द पावर माइनस एक्स यहाँ पे ठीक है कॉस टू एक्स भी जैसे कि वैसे ही रहेगा कॉस टू एक्स कुछ चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पे माइनस साइन टू एक्स साइन टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या होगा माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे माइनस वन राइट ठीक है तो ऐसे ही रखना है यहाँ पे देन नेक्स्ट स्टेप माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस तो यहाँ पे कॉस टू एक्स टू एक्स का अगेन डेरिवेटिव दैट इज़ टू तो टू आगे लगा लो ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन चलो ब्रैकेट कंप्लीट और ये डी एक्स और ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट ओके ठीक है तो आगे कैसे करना अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कुछ मिसिंग है शायद माइनस चाहिए था माइनस नहीं लिखा था मैंने हाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस आएगा हाँ तो ये माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस टू एक्स यहाँ पे अभी आप कर सकते हो ये इससे मल्टीप्लाई एक काम कर लो पहले तो माइनस आगे लगा दो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ये टू कांस्टेंट है इसको बाहर रखो इंटीग्रेशन की ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स सही है इतना और ये ब्रैकेट कंप्लीट नेक्स्ट स्टेप माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस टू एक्स अब ये माइनस मल्टीपल यानी ब्रैकेट ओपन कर दो साइन चेंज होगा देखो माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स देन आफ्टर वी हैव टू पुट ईयर आई ठीक है क्यों ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस टू एक्स ये जो है इसको हमने क्या सपोज किया था लेट आई किया था ठीक है तो उसको इक्वेशन वन से लेबल किया था तो यहाँ पर हम आई पुट कर सकते हैं डायरेक्टली इधर आय तो है ऑलरेडी आय इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स यर कॉस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स साइन टू एक्स माइनस टू यहाँ पर हम क्या करते हैं सीधा आई पुट कर सकते हैं देखो इसके जगह पे आई पुट कर लो यहाँ पे प्लस सी प्लस सी किस क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इंटीग्रल हट गया है यहाँ पे तो प्लस सी लगाना है फॉर द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस टू आई को शिफ्ट करेंगे हम यहाँ पर तो ये बनेंगा प्लस टू आई देखो कैसे आई प्लस टू आई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस टू एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स प्लस सी टू आई प्लस आई थ्री आई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और ये है कॉस टू एक्स यहाँ से आप कॉमन कर सकते हो कितना कॉमन कर सकते हो देखो तो यहाँ से हम माइनस ई टू द पावर सॉरी ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन कर सकते हो डायरेक्टली अगर ऐसा कर लिया तो क्या होगा ब्रैकेट में कितना आएगा देखो ई टू द पावर माइनस एक्स यहाँ से अगर कॉमन कर लिया तो ये माइनस कॉस थ्री एक्स कॉस टू एक्स प्लस ठीक है साइन टू एक्स तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको प्लस सी अब ये थ्री नीचे चला जाएगा डिवाइड बाय थ्री डिवाइड बाय थ्री बोल सकते तो ये आए इधर आएगा ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन थ्री ये साइन टू एक्स पहले लिख लो साइन टू एक्स देखो ये प्लस वाली टर्म पहले लिखो माइनस वाली बाद में लिखो माइनस कॉस टू एक्स प्लस सी तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर देखो आप सी को अगर थ्री से डिवाइड करें तो वे आर सी इक्वल टू सी बाय थ्री लिखना ही पड़ेगा आपको क्योंकि कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ही होगा ठीक है कुछ भी कर लो तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर राइट डाउन प्रॉपरली एक मिनट कुछ मिस्टेक हुई है आई थिंक सम वट नंबर मिसिंग यहाँ पे देखो इससे पहले वाला स्टेप था इंटीग्रल एक मिनट यहाँ से ठीक है यहाँ से गड़बड़ लग रही मुझे इधर साइन टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स तो कैसे किया मैंने ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड किया था राइट तो ये था साइन टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स ऐसा कुछ था डी और ये टू कॉन्स्टेंट था बाहर ठीक है ऐसे ही था ठीक है तो यहाँ पे टू लिखने का रह गया तो यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा ये देखो टू नहीं लिखा था मैंने यहाँ पे तो ये टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बाकी सब सही है माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट देखो साइन टू एक्स का डेरिवेटिव टू कॉस टू एक्स इंटीग्रेशन ओके ठीक है तो यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा हमें तो ये टू लिखना पड़ेगा यहाँ पे तो ये देखो ये टू हो गया सब सही है अभी माइनस माइनस प्लस ये टू मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे ये टू टू जा फोर ये फोर हो जाएगा ठीक है तो हर जगह यहाँ पे चेंज होगा टू यहाँ पे फोर ओके माइनस फोर आई इधर शिफ्ट हुआ तो क्या होगा प्लस फोर आए अब सही है ओके okay, और कहीं पे यहाँ पे ठीक है यहाँ पे टू नहीं लिखा देखो स्टेप बाय स्टेप ये सही है ये टू नहीं लिखा ये टू तो ऐसे आंसर चेंज हो जाते हैं चलो तो ये देखो ये फोर प्लस वन फाइव आए राइट डिवाइड बाय कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे मुझे फाइव ये टू टू लिखना पड़ेगा यहाँ पे टू साइन टू एक्स टू साइन टू एक्स पॉजिटिव है इसको प्लस है तो पहले लिखो ये माइनस कॉस टू एक्स बाद में आएगा प्लस सी और यहाँ पे कितना आएगा फाइव आ गया समझ में देखो ये सॉल्व किया था मैंने तो यहाँ पे टू लिखने का रह गया था शायद यहाँ से कैसे था देखो ये फर्स्ट uh, एक मिनट कॉस टू एक्स था फर्स्ट और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डे एक्स था तो ये फर्स्ट ये सेकंड था तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन किया था हमने बाद में जब कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव आता है ना तब लिखा था मैंने माइनस टू साइन टू एक्स ठीक है इस तरीके से लिखा था और यू टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन था माइनस एक्स अपॉन इधर माइनस वन ये माइनस माइनस प्लस बन गया था प्लस था ओके okay? लेकिन यहाँ पे जो है टू को बाहर निकालना था हमें कांस्टेंट ठीक है टू को बाहर निकालना था तो वो टू जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था ठीक है तो ये टू बच गया था तो पूरा वीडियो चेक करेंगे आप फिर से समझ में आएगा आपको बराबर प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करो आंसर आ जाता है तो ये गलती हुई थी तो डिवाइड बाय फाइव तो ओके पावर माइनस सिक्स अपॉन फाइव ये टू साइन टू एक्स और माइनस कॉस टू एक्स प्लस सी तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर चेक कर लो ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर इंटीग्रेशन ऑफ कैसे करेंगे इसको सॉल्व देखो यहाँ पे कोई दो डिफरेंट फंक्शन नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे साइन और लॉग एक्स है यहाँ पे साइन एक्स और लॉग एक्स नहीं है पहली बात तो साइन ऑफ लॉग एक्स है ठीक है कंपोजिट है यहाँ पे तो साइन ऑफ लॉग एक्स को सॉल्व कैसे करेंगे लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन लॉग एक्स डी एक्स ओके नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू पुट हियर लॉग एक्स इक्वल्स टू टी क्या पुट करना होगा हमें लॉग एक्स इक्वल्स टू टी क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लॉग एक्स है साइन ऑफ लॉग एक्स मैंने पहले भी बोला है अगर कुछ ब्रैकेट में आ रहा है तो सबसे पहले उसको पुट करके देखो कुछ होता है क्या पॉसिबिलिटी है क्या क्योंकि साइन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा डायरेक्टली आप बोल रहे होंगे साइन लॉग एक्स इंटू वन बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता है देखो लॉग एक्स इक्वल टू टी पुट करना होगा यानी सब्सटीट्यूशन पहले है ठीक है सब्सटीटन स्टार्टिंग में तो पुट क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है यहां पे चेक कर लेते हैं हम कैसे देखो पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स टी का क्या होगा यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स ओके डी एक्स कर लो इधर डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी टी आपके पास ये देखो ये डी एक्स है तो डी एक्स की वैल्यू हमें निकालना है चलो डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी टी क्या हो गया यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स डी टी आपको पता है वेरिएबल देखो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है यहाँ पे टी है तो इधर वाला पार्ट जो है पूरा टी में चाहिए आपको राइट तो एक्स की वैल्यू हम टी में कैसे लिख सकते हैं यानी x को एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म्स ऑफ t यानी x को आपको t के फॉर्म में लिखना है तो कहाँ से करेंगे आप यहाँ से देखो ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पे देखो log x इक्वल्स टू टी तो x की वैल्यू क्या होंगी e टू द पावर t लिख सकते हैं बराबर है लॉग एरिदमिक टू एक्सपोन होता है पता है ना सबको देखो इसका बेस क्या होता है ई e, राइट right? तो यहाँ से लॉग हटेंगे तो ई टू द पावर टी बन जाएगा एक्स की वैल्यू ठीक ये पढ़ा था ना हमने क्लास एलेवं राइट तो आपको ये लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाना है ठीक है तो कैसे करते हैं हम ये लॉग हट जाता है और ये बेस जो है इधर ये क्या बनेगा इंडेक्स राइट right? तो एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर टी आ गया समझ में तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ई रेस टू टी डी टी हेयर वी गेट वैल्यू ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू डी टी ध्यान में रखिए यहाँ पे कभी साइन लॉग एक्स आ सकता है कभी कॉस लॉग एक्स आ सकता है फिर भी आपको लॉग एक्स इक्वल टू टी ही पुट करना है ठीक है तो चलो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रल साइन लॉग एक्स देखो साइन तो चेंज होना ये साइन एज इट इज रहेंगे फंक्शन लॉग एक्स की जगह आप टी पुट कर सकते हैं और डी एक्स की जगह आपको करना है ई रेस टू टी इन डी टी तो अब हो गए पूरा टी ठीक है टी के फॉर्म में आ गया सब अभी यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शंस है साइन टी एंड ई टू टी अभी यहाँ पे एक अप्लाई करना होगा आपको लेट ठीक है तो लेट के हिसाब से क्या है ट्रिक्नोमेट्रिक पहले और एक्सपोनेंट बाद में सही है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर लेते हैं चलो तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो यूजिंग आईबीपी भी बोल सकते उसको शॉर्टकट में ठीक है ये आपको समझने के लिए आईबीपी ठीक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है यू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिविटिव ऑफ फर्स्ट एंड यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स और ये डी एक्स राइट देखो ये जो है इसको ही पहले वन दे दो इसका काम पढ़ने वाला है आपको बाद में नेक्स्ट स्टेप चलो तो इसको सॉल्व करते हैं हम आगे तो ये फर्स्ट साइन T यहाँ पे आए है ये देखो साइन टी इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी यहाँ पर डी एक्स नहीं लगाना आप है नहीं तो यहाँ बोलेंगे आप यहाँ पे डी एक्स है देखो आप टी में चल रहा है पूरा तो टी में लिखना है आपका ठीक है ये पूरा फॉर्म जो है टी में है तो विथ रिस्पेक्ट टू तो टी करना है माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट साइन टी ठीक है और इंटीग्रेशन ई टू एस टू टी डी टी और इधर भी टी टी करना है आ गया समझ में तो डी एक्स का यूज़ नहीं करना है आपको वहां पे इन नेक्स्ट स्टेप साइन टी ई रेस टू टी का क्या होगा ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन टी क्या होता है माइनस कॉस टी क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होता है तो साइन टी का क्या होगा नहीं माइनस नहीं होगा यहाँ पे सॉरी कॉस टी ठीक है डेरिवेटिव साइन का क्या होता है कॉस ई रेस टू टी का ई रेस टू टी गया इतना आ गया समझ में और ये डी टी अब इजीली सॉल्व कर सकते हो आप अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स साइन टी ई टी को आगे रखो जनरली हम एक्सपोनेंट आगे रखते यहाँ पे तो ये फर्स्ट फंक्शन चलो इधर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा क्या होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये यू बन गया ये भी बन गया बराबर लेट के हिसाब से ठीक है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक मिनट डी बाई डी टी आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज कॉस टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेस टू टी डी टी ब्रैकेट कंप्लीट और ये डी टी आ गया ध्यान में पूरे ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू टी तो वहाँ पे आपको डी टी लिखना हो पड़ता है और ये ब्रैकेट कंप्लीट इन नेक्स्ट स्टेप ई रेस टू टी साइन टी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ठीक है माइनस कॉस टी ई टू द पावर टी का क्या होगा ई टू द पावर टी माइनस इंटीग्रेशन देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन एक्स होता है तो यहाँ पे बनेगा माइनस साइन एक्स ने लिखना आपको टी लिखना है ठीक है माइनस साइन टी ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी ब्रैकेट कंप्लीट है और डी टी और ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट चलो ई रेस टू टी साइन टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस्ट टी कुछ तो भी गड़बड़ हो गया इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं आएगा ठीक है ये तो हमने सॉल्व कर लिया ना यहाँ पे ठीक है तो ये तो है ही नहीं ये इधर से हो रहा है ना सॉल्व हाँ तो कॉस्ट टी ई रेस टू टी या देखो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन साइन टी इंटू ई रेस टू टी डी टी बराबर ये इधर अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो देखो ये इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से सिस्टम चालू रहेंगे उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन वापस कंटिन्यू चलेगा तो आपको स्टॉप तो करना है ध्यान में रखिए साइन का प्रॉब्लम था ठीक है तो हमारा ये जो है इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे आ है मैंने वहाँ पे इक्वेशन वन लिखा था आपको पता है मैंने बोला था इसका काम पड़ेगा तो एक मिनट तो आई इक्वल्स टू आया था आई इक्वल्स टू ये था ना साइन टी इन टू इरे टू टी डी टी था बराबर जब आपका सब्सिट्यूशन हुआ था लॉग एक्स इक्व टी पुट किया था आपका स्टेप ये मैंने लिखा था तो ये क्या था आय था यानी इसकी वैल्यू क्या है आ है तो वी कैन राइट ठीक है पहले तो ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन कर लो e रेस टू t साइन t माइनस e रेस टू t कॉस t बराबर प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस इंटीग्रेशन साइन t e रेस टू t डी टी अभी इसके जगह आई पुट कर लो आप ये तो I ऑलरेडी है e रेस टू t कॉमन ले लो ये साइन t माइनस कॉस t बराबर यहाँ से ई रेस टू t कॉमन निकल गया और यहाँ पे क्या करना आपको? I है आपको आय लिखना है आय ओके कहाँ से मिला ये इक्वेशन वन से तो वो आप इक्वेशन वन मेंशन भी कर सकते हो आप ये प्लस सी फॉर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से मिल रहा है इक्वेशन वन से इसकी वैल्यू कहाँ से लिखा हमने इक्वेशन वन से तो चलो तो आय और आय ये टू आय आय प्लस आय ई रेज टू टी साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी ओके okay, अब डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा टू देखो पहले आई प्लस आई कर लो उसके बाद करना पड़ेगा स्टेप तो आई प्लस आई कितना होता है आई प्लस आई वी हैव टू राइट देयर टू आई ओके आई प्लस आई टू आई ई रेस टू टी साइन टी सॉरी साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी ओके डिवाइड बाय टू ऑन बोथ साइड ठीक है बी एस बोथ साइड तो इधर आएगा यहाँ से टू कट इधर ई टू द पावर टी अपॉन टू साइन टी कॉस टी प्लस सी देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो इधर टू से डिवाइड करेंगे तो भैया यहाँ पे लिख सकते हो आप सी इक्वल्स टू सी बाय टू ठीक है ये लिखना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में ठीक है यानी अगर आउट ऑफ केस बनती है आपके पेपर की यानी पूरा फुल मार्क्स तो ये लिखना पड़ता है आपको तो वे आर सी इक्वल्स टू सी बाई टू आ समझ में क्योंकि टू से डिवाइड कर रहे थे तो ये तो हो गया बट टी की वैल्यू भी तो पुट करना है इतने से होगा क्या नहीं क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम तो एक्स वेरिएबल में था ठीक है तो ये तो टी में चल रहा है तो ई टू द पावर टी बोलो ई टू द पावर टी क्या था देखो लॉग एक्स इक्वल्स टू टी पुट किया था तो एक्स की वैल्यू क्या थी ई टू द पावर टी बन गई थी ठीक है तो ई टू द पावर टी के जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ डायरेक्टली एक्स अपॉन टू साइन टी के जगह लॉग एक्स ओके लॉग एक्स पुट किया था मैंने टी साइन लॉग एक्स माइनस कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स और ये प्लस सी तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इंटीग्रेट रूट ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स देखो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइव एक्सक्वायर प्लस थ्री है रूट में तो आपको ये जज करना है कि सबसे पहले किस टाइप का प्रॉब्लम है ठीक है आपने कुछ स्पेशल इंटीग्रल पढ़े है स्पेशल देखो ये मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट है इसके प्रॉब्लम भी आ सकते एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप ये प्रॉब्लम बनेगा ठीक है स्पेशल प्रूफ पढ़े थे हमने स्पेशल इंटीग्रल राइट रूट ऑफ एक्सक्वायर प्लस ए एक स्क्वायर देखो एक्सक्वायर है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ये आपको फाइव जो है सबसे पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा तो फाइव कैसे निकालेंगे हम चलो इसको तो बाद में सोचते हैं हम पहले लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं यहाँ पे लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल हर बार लिखना है ये चीज़ एग्जाम में गिवन हो या ना हो आपको ऐसे लिखना है ठीक है क्योंकि क्वेश्चन कैसे आता है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आपको खुद लिखना है लेट आई इक्वल्स टू आपको गिवन नहीं होगा ये सब चीज़ें ठीक है पहला काम क्या है हमारा ये जो है फाइव को बाहर निकालना है तो बाहर कैसे निकालेंगे ये तो सबसे पहले तो इसको कॉमन ले लो ऐसे ठीक है डायरेक्ट बाहर नहीं निकल सकता वो क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है ठीक एक है एक्स स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं ना वो ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस इधर कितना आएगा थ्री बाय फाइव ओके इधर डी एक्स अभी मुझे बोलो ये रूट फाइव सीधा बाहर लिख सकते हैं हम ये देखो ये रूट फाइव चला गया बाहर कॉन्स्टेंट और ये रूट में क्या बचा अब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय फाइव और इधर डी एक्स रूट फाइव इंटीग्रल एक्सक्वायर प्लस अब जम गए यहाँ पे ठीक है काम हो गया हमारा एक्सक्वायर प्लस इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखें यानी मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर तो थ्री बाय फाइव को हम स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं थ्री का रूट कितना होता है ये रूट थ्री फाइव का रूट फाइव दोनों भी क्या है प्राइम नंबर है ठीक है स्क्वायर रूट तो होगा नहीं उसका भी रूट थ्री अपॉन रूट फाइव स्क्वायर ये डी एक्स अब यहाँ पे परफेक्ट प्रूफ अप्लाई करना है यानी फार्मूला अप्लाई करना है कौन सा देखो यूजिंग ईजीली समझ में आएगा रूट है ये देखो रूट नीचे नहीं है रूट जो नीचे वाला है वो सेवन स्पेशल इंटीग्रल अलग है ये कौन से है ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व पार्ट से सॉल्व किए थे रूट ऑफ़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है तो ये तीन सॉल्व किए थे उसमें से ये है तो ये कैसे लिखना है आपको एक्स स्क्वायर बीच में क्या है प्लस है और ये कॉन्स्टेंट का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर डी एक्स क्या था ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए इसका क्या बोला था मैंने कैसे याद रखना है एक्स बाय टू बाद में ये रिपीट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू क्योंकि यहाँ पर प्लस है और प्लस ही आएगा और इधर क्या लिखना था आपको लॉगऑफ एक्स प्लस वही जो रूट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ओके तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे चलो तो कैसे होगा देखो रूट फाइव कॉन्स्टेंट है वैसे ही बाहर चलो यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको ठीक है ये रूट फाइव तो बाहर है तो ब्रैकेट बनाओ एक्स बाय टू तो एक्स बाय टू रूट एज इट इज यानी ये जो रूट है वैसे के जैसे के वैसे ही लिखना आपको रूट थ्री बाय रूट फाइव का स्क्वायर ओके नेक्स्ट एक देखो ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर मतलब ये पूरा जैसे के वैसा रूट फाइव ये अपॉन ए स्क्वायर बाय टू आ गया समझ में देखो ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अभी रूट क्या है ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ थ्री बाय रूट फाइव रूट फाइव का स्क्वायर प्लस सी ओके आ गया समझ में देखो ये ब्रैकेट पहले कंप्लीट करना है हमें यहाँ पे और प्लस सी लगाना है चलो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं अब ये फाइव जो है यह कॉमन लिया हमने रूट फाइव सॉरी रूट फाइव जो है हमने पहले ही कॉमन लिया है तो रूट फाइव रखो वैसे ही अपनी जगह पे चलो एक्स बाय टू आगे सॉल्व कैसे करोगे आप यहाँ पे एक्स बाय टू रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री फाइव फा रूट फाइव का फाइव तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई फाइव प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है रूट थ्री का स्क्वायर देखो कितना हो रहा है यहाँ पर थ्री और फाइव का स्क्वायर कितना रूट फाइव का फाइव और आपका पता है ये सेकंड और ये जो है हम मल्टीप्लाई कर सकते तो ये टू मल्टीप्लाई होगा इसको समझ में आए देखो रूट फाइव का जो स्क्वायर है कितना हो रहा है ये फ़ाइव और टू फाइव टेन टू फाइवा टेन होगा और ये लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई फाइव प्लस सी ओके चलो ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम इस तरीके से देन नेक्स्ट स्टेप फाइव टू द टेन तो रूट फाइव एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय फाइव प्लस थ्री बाय टेन फाइव टू द टेन लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय फाइव प्लस सी तो ये हो गया हमारा आंसर सिर्फ ये ब्रैकेट कंप्लीट करो क्यों कंप्लीट करना पड़ेगा देखो रूट फाइव जो है यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया था तो इसलिए वो मल्टीप्लाई भी होने वाला है आ गया समझ में चलो राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर फाइव इंटीग्रल एक्सक्वायर रूट में है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू सिक्स डी एक्स थोड़ा सोचो अब क्या करना है यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको पता है ये तो स्पेशल प्रूफ जो है आपको पता है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है सबको ओके तो लेकिन यहाँ पे तो एक्सक्वायर है ही नहीं यहाँ पे एक्स रेस टू सिक्स है तो कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे तो सबसे पहले इसको लिखते हम लेट आर इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स रेश टू सिक्स डी एक्स ओके इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर देखो ए स्क्वायर मैंने पहले बोला आपको ये स्क्वायर फॉर्म में चाहिए आपको तो ये ये तो स्क्वायर आएगा किसका स्क्वायर आएगा देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स तो पॉसिबल नहीं यहाँ पे देखो सिक्स है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब क्योंकि देखो थ्री टू दिक्स होता है ये तो एडजस्ट करना ही होगा ना आपको देखो आपने पढ़ा है ये रूल्स ऑफ इंडाइसिस ठीक है ए रेज टू यम टू द पावर एन क्या होता है यम इन टू एन पता है सबको फिर वैसे ही किया मैंने यहाँ पे सिक्स को कैसे लिखा है यहाँ पर एक्स क्यूब टू द पावर टू थ्री टू जा किया तो कितना हो रहा है सिक्स करना क्यों जरूरी है क्योंकि देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है थ्री एक्सक्वायर विच इज प्रेजेंट एक्सक्वायर टर्म प्रेजेंट है ठीक है तो ये आपको पहले सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना होगा यानी पुट करना है क्या पुट करोगे आप एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी पुट करोगे पुट एक्स क्यूब और इंटीग्रेशन में ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं देखो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम आती नहीं है कुछ ना कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम होती है यानी पहले तो आपको सब्शन करना होता है फिर बाद में कुछ रूल्स अप्लाई करना होता है उस तरीके के प्रॉब्लम जनरली एग्जाम में आते हैं तो पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो कितना होता है थ्री एक्सक्वायर राइट टी का डी टी बाय डी एक्स मल्टीप्लाई कर लो इधर एक्सक्वायर डी एक्स देखो ये थ्री कांस्टेंट है इसको नीचे रखती है अब बोलेंगे क्यू एक्सक्वायर और डी एक्स यहाँ पर है थ्री दिख रहा है क्या यहाँ पे है, नहीं है तो फिर थ्री की कोई ज़रूरत नहीं थ्री को नीचे भेज दो तो वी गेट एक्सक्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी थ्री फिर इसके जगह आप क्या पुट करोगे डी टी थ्री देखो ये आ इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्सक्वायर और डी एक्स की जगह आप सीधा पुट कर दो डी टी थ्री रूट में क्या दिख रहा है आपको ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसको तो चेंज नहीं कर सकते हो आप एक्स क्यूब के जगह आपको टी पुट करना है और ये टी का बनेगा स्क्वायर ठीक है और डी एक्स एक्स स्क्वायर की जगह आएगा डी टी बाय थ्री तो यहाँ पे सीधा लिखता हूँ मैं डी टी बाय थ्री अब आपको पता है ये चीज़ वन बाय थ्री कॉन्सटेंट यहाँ पर आगे लिखो ठीक है ये देखो वन बाई थ्री बाहर इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस टी स्क्र डी टी और ये तो आप सीधा सॉल्व कर सकते हो क्या करना है आपको सिर्फ क्या यूज़ करना है वहाँ पे स्पेशल इंटीग्रल कौन सा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा पहले तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ देखो आ इक्वल्स टू वन बाय थ्री इंटीग्रल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी ये सबसे पहले लिख, लिख लिया ओके देन नेक्स्ट स्टेप देखो तो यहाँ पे यूजिंग क्या है हमारा रूट रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्र सबको याद है ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स बाई टू रूट एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है बाद में यहाँ पे होता है प्लस फर्स्ट पढ़ा था हमने ये फर्स्ट प्रूफ ए स्क्वायर बाई टू और इधर देखो ये स्ट्रक्चर किसका है साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्सक्वायर ए स्क्वायर पहले है, बाद में एक्स स्क्वायर रूट में तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी चलो तो फिर क्या बनेगा आ इक्वल्स टू वन बाय थ्री पहले बाहर है ब्रैकेट बनाओ एक्स बाय टू एक्स बाय टू एक्स नहीं आएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या चल रहा है अभी टी में चल रहा है तो टी बाई टू आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्र जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्सक्वायर था रूट वैसे यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्रूफ जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी जो क्वेश्चन तो ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर यहाँ पे भी है तो ए स्क्वायर बाय टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय ए चलो एक्स को रिप्लेस किसने किया है टी ने किया तो पहले टी रखो यहाँ पे टी बाय ए प्लस सी चलो ब्रैकेट कंप्लीट के बाद प्लस सी लगा दो अभी टी की वैल्यू भी पुट करना है क्या पुट किया था मैंने टी एक्स uh, क्यूब किया था राइट right? तो एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे एक्स क्यूब बाई टू कभी भी ध्यान रखो इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर रहे हैं अगर सब्सिट्यूशन का प्रॉब्लम है आपको एंड में जाके टी की वैल्यू पुट करना होता है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं एक्स क्यूब बाई टू रूट में आएगा ए स्क्वायर देखो टी स्क्र की जगह क्या लिख सकते हो आप एक्स क्यूब का पावर टू मतलब एक्स क्यूब का पावर टू आएगा यहाँ पे ठीक है प्लस ए स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट है साइन इनवर्स टी बाई ए टी मतलब एक्स क्यूब बाय एके ठीक है ये कंप्लीट प्लस सी एक्स रेस टू सिक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक्स क्यूब बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स रेस टू सिक्स प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब बाय ए प्लस सी तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर आ गया समझ में देखो सिंपल था बट प्रॉपरली सॉल्व करना होता है यानी चीज़ें समझो कहाँ पे सब्सटिट्यूशन करना है कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है ये सब पॉसिबल है जब आप रेगुलर एक्सरसाइज़ फॉलो कर रहे हैं ठीक है थीके? तो जिन्होंने भी वीडियो अभी तक देखी नहीं होंगे पहले वाले तो सबसे पहले फर्स्ट जितने भी प्ले लिस्ट में वीडियोज़ है उसको कंप्लीट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियोज़